मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.3। पिछले लेसन में वी फिनिश विद एक्सरसाइज 8.2 एंड आज हम वील स्टडी अ लिटिल अबाउट मनी ऑल्सो, कि मनी एंड परसेंटेज को कैसे हम साथ में यूज करते हैं। यू वुड हैव सीन इट अराउंड यू। अभी हम इसको मैथ्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेन खरीदा फॉर रुपीज 10 और उसको हमने बेच दिया रुपीज 12 का। तो अब हम यहाँ प्रॉफिट और लॉस अगर देखें, प्रॉफिट क्या होता है? जब फायदा होता है। लॉस क्या होता है? व्हेन देयर इज अ नुकसान जब होता है। तो यहाँ पे 10 का कितना हो गया? 12। दोनों का डिफरेंस क्या है? 12 माइनस 10, दैट मीन्स रुपीज 2 का हमें प्रॉफिट हुआ। अगर यही मैं बोलूं कि 10 का खरीद के हमने रुपीज 8 का भेज दिया, तो यहां पे 10 माइनस 8 रुपीज 2 का लॉस। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे? परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट केस, जब हमने 12 रुपए का बेचा, ओके, तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अमाउंट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज मतलब क्या? डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक दूसरे को माइनस करके, दैट इज 12 माइनस 10। एंड ओरिजिनल अमाउंट, पहले जब हमने वो पेन खरीदा था वो ओरिजिनल अमाउंट था। कितने का खरीदा था हमने? 10 रुपीज का। अभी परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, दिस इज 2/10 × 100, 20%। परसेंटेज है तो साइन यू विल ऑलवेज पुट, रिमेंबर दैट। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। हम इससे रिलेटेड थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स आज करेंगे। वी विल बी डूइंग 6 क्वेश्चंस टुडे। इस टाइप के क्वेश्चंस के अलावा वी विल बी डूइंग रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है, कन्वर्ट ईच रेशियो टू परसेंटेज, कहीं 3 का कहीं 2 का। सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन ईच केस। यहाँ आउट ऑफ 4 क्वेश्चन हम 2 ही करेंगे, बिकॉज वो रिपीट ही हो रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, एंड दिस एक्सरसाइज इज वेरी लॉन्ग। गार्डनिंग शेयर्स मतलब कि वो जो बड़ी सी कैंची आती है जिससे प्लांट्स काटते हैं, ट्रीज को प्रून करते हैं, साइड से कट करते हैं, शेप देते हैं, उसको बोलते हैं। बॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 325। तो हमने खरीदा कितना? 250 का, बेचा हमने 325 का। क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो हमने बेचा है वो अमाउंट ज्यादा है, विच मीन्स हमारा प्रॉफिट है, फायदा हुआ है। प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस है जो यहां पे, माइनस ओरिजिनल प्राइस जो शुरू में था। तो सेलिंग प्राइस रुपीज हम लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज 325 माइनस 250, सो आर प्रॉफिट will be, which is rupees 75. अब हमें second part में क्या calculate करना है? profit और loss percent। तो यहाँ profit हुआ है तो profit percent will be change in amount upon original amount. This is the formula like we did over here also. यहाँ पे होता था amount of change and original amount. Percentage है तो into 100. यहाँ हमने change देखा, that is 325 minus 250 upon original. शुरुआत में क्या था? 250 into 100. अब ये माइनस करके यहां पे क्या आया? 75/250 × 100। नाउ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 वन्स आर 25, 25 थ्री इज 75, सो दिस इज
30%, which is the profit percent. Similarly, in the next question, fridge was bought for rupees 12,000 and sold at 13,500. Again, हमें दिख रहा है कि ये बड़ा amount है. तो profit आएगा. So profit is equal to 13,500 minus 12,000, which is 1500 rupees. ये हमारा first part का answer हो गया. Second part में profit percent is change in amount upon original amount. चेंज कितना आया यहाँ, 1500. शुरुआत में कितना था, 12 × 100. ओके, कैंसिल आउट द टू जीरोस. यहाँ पे 3 4s are 12, 3 5s are 15. अगेन ये 5 से हो सकता है 100, 5 8s are 40. 8 को व्हेन वी डिवाइड 100 8, इट कम्स एज 12.5. सो 12.5% यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सड फ्रैक्शन. नेक्स्ट में है कन्वर्ट ईच रेशियो टू परसेंटेज. यहाँ पे हम दो सम सॉल्व करेंगे. लेट्स सी इसके स्टेप्स क्या होते हैं. पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल अमाउंट क्या है. टोटल अमाउंट कैसे होता है इन द फर्स्ट स्टेप, यू विल ऐड ऑल ऑफ दीज नंबर्स. 2 + 3 + 5 = 10. एक एक रेशियो का हमें परसेंटेज लिखना है. तो 2 का कैसे होगा, 2 out of 10 × 100, दिस इज 20%. नेक्स्ट है 3 out of 10 × 100, दिस विल बिकम 30%. एंड लास्टली 5 out of 10 × 100 will be 50 cent. Next है 1:4. Total amount is 1 + 4, which is 5. First unit क्या है, 1. 1 out of 5 × 100 is equal to 5 × 10 = 0, 20%. And there is 4 out of 5 × 100. अगेन ये हम 20 करेंगे, 4 × 2 = 8 and 0. सो दिस इज 80%. अब यहाँ पे हमें परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करना है. पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 to 24,500. ओके, सो परसेंटेज डिक्रीज के लिए हमें चेंज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट. तो परसेंटेज डिक्रीज विल बी चेंज इन अमाउंट. यहाँ पे पॉपुलेशन एक सिटी की, कितने लोग हैं एक सिटी में, वो कम हुआ है. ओके, ओरिजिनल इंटू 100. चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस. ओरिजिनल अमाउंट कितना है, 2500 × 100. ये कितने का डिफरेंस है, इसको माइनस करेंगे तो इट कम्स एज 500 000. अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट करेंगे. सबसे पहले 0 के, अगेन यहाँ से एक 0, 25 1s are 25, 25 2s are 50, 2%. So, percentage decrease
इन द सिटीज पॉपुलेशन कितना परसेंट आया है? हाँ आंसर हमारा 2%। सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिफ बॉट अ कार फॉर 3,50,000 रुपीज़ की उसने गाड़ी खरीदी। अगले साल उस गाड़ी का प्राइस 3,70,000 हो गया। अब हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना है। सो परसेंटेज इंक्रीज का भी फॉर्मूला वही है, चेंज इन अमाउंट ऑन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। चेंज कैसे पता चलेगा? बड़े से छोटा माइनस, दैट इज 3,70,000 माइनस 3,50,000 डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल। शुरुआत में किस किस प्राइस में उसने गाड़ी खरीदी थी? 3,50,000 इंटू 100, इनको माइनस करेंगे तो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। 3,50,000 इंटू 100। अब व्हाट विल वी डू? हम इसको कॉमन फैक्टर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स बिगिन। जीरो कैंसिल। लेट्स सी, दिस इज डिविजिबल बाय 5। 5 7 35, सो दिस कम्स एज 40/7। नाउ वी डिवाइड 7 एंड 40, सॉरी 7 5 35 एंड 5 कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, सो वी कैन राइट इट एज अ मिक्स फ्रैक्शन। परसेंटेज इंक्रीज, वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लास्ट में ऐसे हमेशा लिखेंगे जो भी क्वेश्चन है। फाइंड परसेंटेज प्राइस इंक्रीज इन द कार इज 5 5/7%। व्हेन यू राइट दिस मेक श्योर ये ऐसे ही लिखा है, दोनों फाइव आप साथ में नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन है, आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दैट इज प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे थे। अब हमारे पास वो परसेंटेज गिवन है और हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। सिमिलरली है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। नाउ ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टीवी इज रुपीज, प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। माई सेलिंग प्राइस विल बी 10,000। इतने का तो हमने टीवी लिया ही था और हमने बोला है कि 20% इस पे प्रॉफिट हुआ है। 20% ऑफ कितना? 10,000। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट दिस अमाउंट। 10,000 प्लस 20/100 इंटू 10,000। जीरो कैंसिल आउट। दिस कम्स एज 2 0 और दैट इज ₹12,000 में ये मैंने बेच दिया। सो द टीवी वॉज सोल्ड एट ₹12,000। सिंपल, थोड़ा सा चेंज है बस स्टेप में। अ शॉपकीपर सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500। He loses 20% in the bargain. What was the price at which he bought it? अब हमने देखा कि इतने में इसने ये बेच दिया
और उसको 20% का नुकसान हो गया है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। यहाँ लॉस हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता है एंड हमें फाइनल प्राइस पता है। लेट्स फाइंड आउट दी आंसर हियर। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें बताया है कि सेलिंग प्राइस कितने में बेचा उसने, दैट इज योर सेलिंग प्राइस 13,500। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 20%, ये हमें गिवन है। अब हमें ओरिजिनल प्राइस मतलब कि कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि लॉस कितना है। ओके, सो फाइंडिंग आउट लॉस इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ओके, अब हम कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है, जो ओरिजिनल प्राइस है या द कॉस्ट प्राइस, तो हम अज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। अगर हम कॉस्ट प्राइस को एक्स लेते हैं तो लॉस विल बी 20% ऑफ एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20/100 इंटू एक्स, कैंसिल आउट 1, 2 5 10, दैट इज 1/5x। नाउ वी नो सेलिंग प्राइस इज ओरिजिनल प्राइस, दैट इज द कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ एक्स अज्यूम किया है, लॉस हमारे पास 1/5x है। ओके, सो लेट्स सॉल्व। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे जैसे हमने फ्रैक्शंस में किया था। दिस विल बी 5x माइनस 1x, दैट इज 4x/5 इज दिस। अब हम x फाइंड आउट करना है तो इनको इधर लाएंगे, x विल स्टे देयर। जब कोई फ्रैक्शन इक्वेशन के दूसरे साइड आता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। दिस विल बी 5/4, दिस इज दी वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ व्हाट विल वी डू, हम इसमें कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट करेंगे। वी सी दोनों नंबर्स इवन है, 2 2 6 12 कैरी 1, 2 7 14 कैरी 1, 2 5 10 एंड 0 1। अगेन इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14 एंड 2 5 10। तो एक्स इज इक्वल टू 3375 इंटू 5। वेन वी मल्टीप्लाई दिस इट कम्स एज रुपीज 16875। सो दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज रुपीज 16875। सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। एंड द लास्ट टू क्वेश्चंस आर स्लाइटली डिफरेंट, बाकी सब काफ़ी इजी हैं। फिर भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।